सुंदर प्रेरणा कथा। ऐसे विनम्र थे नेहरू जी। सन 1955 में नवंबर का महीना था। उन दिनों सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्रुश्चेव और उनके मंत्री निकोलाई बुल्गालिन भारत के दौरे पर थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। संसद में राष्ट्रपति क्रुश्चेव के भाषण की खूब वाहवाही हो रही थी। पूरे देश में लोग उनके मैत्रीपूर्ण अभिभाषण की चर्चा कर रहे थे। सोवियत संघ और भारत के संबंध हर दिन और भी घनिष्ठ होते जा रहे थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति के सम्मान में जगह जगह समारोहों का आयोजन किया जा रहा था। ऐसे ही एक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को भी मिला। वह समय से वहां पहुंच गए। स्वयं सेवकों ने उन्हें निश्चित स्थान पर बैठा दिया। आयोजन में बच्चों ने समृत स्वर में जननी तेरी जात हमी सब, जननी तेरी जय हो गीत गाया, जिसने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। अपनी ही रचना का लयबद्ध गान सुनकर मैथिली शरण गुप्त भी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के बाद वह जानना चाह रहे थे कि इस गीत को लयबद्ध किसने किया। एक सज्जन ने उनसे कहा कि इसके लेखक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। सज्जन न तो मैथिली शरण गुप्त को पहचानते थे और न ही गीत और संगीत के अंतर को। थोड़े प्रयास के बाद पता चला कि किसी बंगाली सज्जन ने इसे संगीत से संवारा है जो वहां नहीं थे। गुप्त जी मन में सोचकर रह गए, क्योंकि वह लय तैयार करने वाले का आभार व्यक्त करना चाहते थे। तभी एक सज्जन आया और बोले कि आपको पंडित जी ने अंदर बुलाया है। अंदर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका परिचय बुल्गानिन और ख्रुश्चेव से कराया। परिचय में बताया गया कि बच्चों ने जो गीत प्रस्तुत किया है उसके रचयिता आप हैं। उन दोनों ने रूसी और हिंदी साहित्य के आदान प्रदान पर गुप्त जी से चर्चा की, फिर चाय पीने लगे। चाय गुप्त जी के सामने भी आई। इस अप्रत्याशित सम्मान से उपजी असहजता के कारण उनके हाथ से चाय का चम्मच छूटकर गिर गया। जब तक गुप्त जी चम्मच उठाते, नेहरू जी ने उस नीचे गिरे हुए चम्मच को उठा लिया और गुप्त जी को दूसरा चम्मच देते हुए कहा, देश साहित्यकारों और आलोचकों का ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद।